पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा पर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए पूर्णिया के बिलोड़ी स्थित माँ फर्नीचर की मालकिन पिंकी देवी ने मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज होने के लिए आवेदन दिया है। राजा कुमार भिरखी से पूर्णिया सांसद ने 25 लाख रुपए रंगदारी मांगी है, किंतु इससे संबंधित कोई साक्ष्य पुलिस के सामने पेश नहीं किया गया है। वहीं शोरूम में आग लगाने की धमकी देने के साथ साथ अंजाम भुगतने की भी धमकी देने के लिए सांसद संतोष कुशवाहा के समर्थक अजीत भगत, वीरेंद्र विश्वास, जदयू नगर अध्यक्ष नीलू सिंह पटेल, राकेश कुमार, रितेश कुमार, अविनाश कुमार समेत 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। न्यूज कवरेज के दरमियान शोरूम के मैनेजर ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, जिसमें सांसद समर्थक कई लोग शोरूम में मौजूद दिख रहे हैं और उसके बाद एक साथ सभी वहां से निकल जाते हैं। न्यूज कवरेज के दरमियान शोरूम के मैनेजर ने बताया कि पलंग की खरीदारी करीब एक माह पूर्व की गई थी और उसी को वापस करने के नाम पर दबंगई की गई। फर्नीचर का वो डेढ़ महीना पहले यहाँ से गया था बायसी, और बायसी से फर्नीचर फिर आया कोचई, तो बीच में फिर हुआ कि ड्रेसिंग सेट कराना है, एक बार लड़का भेजे ड्रेसिंग सेट करके आ गया, उसके बाद हुआ कि फिर बेड फिट कराना है, फिर लड़का गया यहाँ से तो वहाँ बेड फिट भी कर दिया, तो कहीं उसको स्क्रेच या कुछ मिला, उस पर बोला नहीं हमारा माल खराब दे दिया है, ये है वो है, सब माल खोलो, ये करो वो करो, जो मिस्त्री गया वो भी डर गया, वहाँ खोल उल करके रख दिया, उसको दे दिया। हाँ, संतोष कुशवाहा का नाम ले रहे थे, क्या बता, बोल रहे थे हम उनका भाई हैं, उनका परिवार है, सब हम लोग के परिवार में गया है सब, फिर ऐसा काहे किया तुम लोग। आप लोग जो आवेदन दिए हैं थाना में उसमें 25 लाख का आप लोग दिए हैं, नहीं ये हमको सुनने में मालिक से ही सुनने में आया है कि पहले ही हो चुका है उनके साथ, ये हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन उनके साथ साथ हुआ है, ये 25 लाख का रंगदारी मांगा गया है। सामान लेके आया यहाँ पटक दिया और मालिक को गाली उली बहुत दिया, सामान वामान तोड़ने फोड़ने के बात कर रहा था, शीशा उसा तोड़ने के भी बात कर रहा था कि मारेंगे पिटेंगे, हम लोग भी डर गए कि भैया इतना आदमी है, हम लोग कम आदमी है तो मारेगा पिटेगा, इसलिए मालिक का नंबर उम्बर लेकर बात हुआ, इसके बाद हम लोग भी डर गए तो हम लोग भी छाट आ गए, फिर मुखिया जी भी आए तो सबको माल का शांत किया, DSP साहब आए, दरोगा जी आए, सब आए तब जाके शांत हुआ। अच्छा ही बात है सर, उसका तो बराबर नाम लेता, हर आदमी उसका नाम ले रहा था, जितना भी आदमी आया था सब संतोष कुशवाहा जी का नाम ले रहा था, उनके तरफ से हम लोग के तरफ से तो कोई नहीं, बस स्टाफ है, मैनेजर साहब थे और कोई ज्यादा आदमी नहीं, मारपीट नहीं किया लेकिन ऐसा था कि मारपीट हो जाता, अगर वो SP साहब नहीं आते, DSP साहब नहीं आते तो मारपीट हो जाता, हमारी दुकान में कहता आग लगा देंगे, ये कर देंगे, सीधा तोड़ो अभी, करो शटर बंद करो अभी। नीचे में हो हल्ला हुआ तो फिर नीचे आए तो देखे कुछ लोग पूरा हंगामा कर रहे हैं और दुकान में आग लगा देने की, शोरूम की शीशा तोड़ देने की, और सब स्टाफ लोग को मारपीट करने की धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे वो, किन्हीं को पहचाने आपके? हम तो सर अभी नए आए हैं लेकिन अगर वो लोग सामने आएंगे तो बाई फेस हम पहचान लेंगे उन लोगों को, CCTV में जो फुटेज है वो, हाँ उसके थ्रू हम पहचान लेंगे सर। और यहाँ पे एक स्थानीय सांसद का भी वो लोग नाम ले रहे थे और उनका लेके वो लोग धमकी वगैरह पूरी दे रहे थे और सभी बात बात में पूर्णिया सांसद का नाम ले रहे थे, और इसी दरमियान शोरूम को जलाने की भी धमकी दी गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी पवन यादव ने बताया कि वे अगर वहां नहीं होते तो शोरूम में अवश्य ही तोड़फोड़ होती और मारपीट भी किया जाता। पवन यादव ने बताया कि यह पूरी तरह से रंगदारी का मामला है और सामान खरीदारी महज एक बहाना था। तो मैनेजर साहब का फोन आया कि यहां कुछ लोग जो है हंगामा करने के लिए आया है, हम कौन लोग हैं, तो बोल रहा है संतोष कुशवाहा आदमी है, हम इत्मीनान से बात ही कर रहे थे, देखिए ऐसे उकताने से नहीं होगा, बैठ के इसको जो भी है सोल्यूशन निकाल लेंगे, नहीं मालिक को बुलाइए अभी यहाँ, गाली गलौज जो है ऑनर के नाम पर उसकी माँ को गाली और पूरा अब सब शोरूम को जलाने की भी बात, हाँ बोला कि जला देंगे उसी पर, तब हम तो यहाँ का स्थानीय है और शोरूम मेरे इलाके में और इसकी सुरक्षा की गारंटी मुझे भी है, इसलिए हम यहाँ के नागरिक हैं और हाँ जनप्रतिनिधि, और मेरी सबसे बड़ी इस जगह पर है कि इस जगह के लोगों को मुझे सुरक्षा देना है, प्रशासन बाद में पहले मेरा सुरक्षा, मुझे कुछ होगा तभी कुछ हो सकता है। भाई मेरे साथ था उसको बोल सबको बुलाओ देखें कैसे तोड़फोड़ करता है, उसके बाद तब ये लोग जो है थोड़ा ठंडा होके बाहर निकला, उसके बाद DSP साहब आ गए, फिर DSP साहब से बातचीत, हम भीतर में बैठे रहे। अच्छा। शोरूम के मालिक ने मुझे भी ये इतला किया कि भैया हमसे पैसा मांगा जा रहा है और जो हम पैसा कहाँ से देंगे, तो हम बोले कि
आप तो हमको बताए नहीं, हम आपको नहीं बताए, हम सोचे कि चलो भाई वैसा कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम नहीं बताए आपको भी, ये हमारी गलती है। लेकिन हमसे मांगा गया है सामान, सामान तो एक बहाना है, मेन मंशा है इसको डराने का कि डरा के हम उगाही करें। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, साथ ही पूर्णिया डीएसपी से मिलकर भी आवेदन दिया गया है, जिसमें शोरूम मालिक पर सांसद के बारे में अभद्र शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए धमकी देने की भी शिकायत की गई। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा की ओर से जदयू के नगर जिला अध्यक्ष नीलू सिंह पटेल एवं अजीत भगत ने कहा कि शोरूम मालिक राजा कुमार ने पूर्णिया सांसद के खिलाफ जिस तरह के अभद्र शब्द का इस्तेमाल, उसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। आरोप लगाने से व्यक्ति आरोपित नहीं हो जाता, आरोपित होने के लिए आरोप को सिद्ध करना पड़ता है, और इन लोगों ने जिस तरह का घिनौना इल्जाम लगाया है, आज तक के इतिहास में माननीय सांसद या उनके समर्थक या पार्टी के लोगों पर आज तक इस तरह का घिनौना आरोप किसी ने नहीं लगाया, और ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से गाली गलौज से बात करते हो। ऐसे प्रतिष्ठानों का को बंद कर देना चाहिए। इनका सारा जो बिल सामान बेचा है इन्होंने, उस बिल पर कच्चा चिट्ठा उनका दिखता है, जीएसटी नहीं है, ये सारे काले अवैध व्यापार करते हैं। इन लोगों को गहन जांच होनी चाहिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होना चाहिए, और ऐसे प्रतिष्ठान को बंद करना चाहिए, और ये व्यापारी नहीं, ये अपराधी हैं। मैं जितना बात बोल रहा हूँ हर एक बात का प्रमाण दूंगा। अगर जो आरोप इन्होंने लगाया है उसमें कहीं कोई सच्चाई होगी तो जनता मालिक है, व्यापारी वर्ग मालिक है। अगर हम लोग किसी भी तरह का इस तरह का काम किए होंगे, हमारे बातों में शालीनता है, हम लोग उनसे शालीनतापूर्वक बात किए हैं, हम लोग कहीं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दिया, उसका भी रिकॉर्डिंग है, माननीय सांसद महोदय को गाली दिया, उसका भी रिकॉर्डिंग है। वही सारी बात जो बताया वही सेम ही सेम बात है, सेम बात है। मजबूरी में आप लोगों को वहां जाना पड़ा क्या? नहीं, क्यों नहीं आपसे बात करना, क्यों नहीं जाएंगे? हम तो बाहर थे खड़े, हम तो अंदर भी नहीं गए। और अगर हम लोग रंगदारी मांगने के लिए जाएंगे तो डीएसपी साहब को बुला के, सर हम रंगदारी मांग रहे हैं, आइए थाना प्रभारी को बुला के हम रंगदारी मांग रहे हैं, आप भी मदद कीजिए, ऐसा होता है क्या? कुछ भी लोग केस बना के देगा थोड़ी होता है। एकदम जांच करें, और जो उस उनके द्वारा हम लोगों पर किया गया वो सारा सबूत के साथ। आपको लगता है कि सांसद जी की छवि को बदनाम करने की? एकदम 100% 500% सत्य है, ये बदनाम करने के बहुत लोग लगे हुए हैं, विरोधी लोग लगे हुए हैं, उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। मैं गया था और हम लोगों ने समझाने गया वहाँ उसको, फोन पर हमने भी बात किया, और उसने बहुत ही अभद्र गाली का उपयोग किया जिसका प्रतिकार हुआ। और वहाँ पर तथाकथित रूप से एक उनके गुंडे बैठे हुए थे, एक गुंडा उनका बैठा हुआ था जिसका फुटेज वहाँ है, जिसका नाम पवन यादव है, उससे हम लोग जान पहचान भी था। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि आपके सामने गाली दे रहा है, उसने बोला हाँ गाली देगा, ये भी फुटेज में है, ये भी देखने का विषय है, और उसका मैंने उसके संरक्षण में ही वो गलत काम कर रहा है। पवन यादव भी तो आप ही ग्रुप के लोग हैं। नहीं 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 नहीं, कोई ग्रुप क्या होता है, आप मेरे ग्रुप में आप गलत कीजिएगा आपका विरोध करेंगे हम। ग्रुप नहीं है कोई, हम लोग गैंग चला रहे हैं क्या? ग्रुप है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी में गिरोह नहीं चलता है, दल चलता है। आप लोगों ने उनका भी नाम दिया है? किसमें? अभी नाम नहीं दिया है, लेकिन लोगों ने गलती किया है, नाम देना चाहिए। एसपी साहब से मिलकर नाम जाएगा कि पवन यादव जी भी वहाँ बैठे हुए थे और उनके उसकाने में ही हुआ है, वो भी गाली दिए है वहाँ। किंतु इसके बावजूद भी उन लोगों ने संयम बरतते हुए वहां से वापस हो लिया। नीलू सिंह ने शोरूम के मालिक राजा कुमार पर रंगदारी करने का आरोप लगाते हुए फोन पर बातचीत का ऑडियो भी सुनाया, जिसमें शोरूम के मालिक राजा कुमार पूर्णिया सांसद के खिलाफ इस कदर अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने जाते हैं, जिसे हम आपको पूरी तरह से नहीं सुना सकते, किंतु आपको कुछ हिस्सा जरूर सुनाएंगे, जिसमें राजा कुमार ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वे एक फ्रॉड हैं, साथ ही कई और अभद्र बातें भी ऑडियो में की गई है। हेलो, हाँ जी सर, आपने फोन कर दिया। अरे आपके बात में जो है थोड़ा सा हमको खराब लग रहा है, इसलिए मैं काट दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। यस, हमारी बात खराब ही लगेंगे। हाँ, भाई साहब मैं खुद फ्रॉड हूँ, बात समझ रहे हो? भगवान, आप फ्रॉड हैं कि क्या हैं, ऐसे हमको क्या मतलब है? नहीं मतलब है ना, उसको फोन दो ना।
टैक्सी वाले हमारे शोरूम पे खड़ा होकर धमकी दे रहा है ना, उसको फोन दो। ये धमकी क्या, हो तो बोले कि मैं सामान रिटर्न कर रहा हूँ, उसको फोन दो आप भाई साहब, रिक्वेस्ट में तो जी उस तरह बात नहीं किया जाता जिस तरह आप बात कर रहे हैं। आपकी बात भाई साहब जी जी धोखा मंगा नहीं हूँ, मैं अभी शोरूम पे ही आदमी भेज रहा हूँ, संतुष्बा को भेज रहा हूँ, समझ रहे हो क्या, संतुष्बा को मैं शोरूम पे भेज रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, उसी को मैं फोन लगा रहा हूँ, वो बोला भैया ठीक है ठीक ठीक। और फोन इसके जवाब में शोरूम के मालिक राजा कुमार ने भी ऑडियो क्लिप दिया। इसमें दोनों पक्ष की ओर से अभद्र बातें सुनने को मिली। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, किंतु पुलिस ने इस संदर्भ में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले में दोषी कौन है। Thank you.